तीन ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि विज्ञान कहां तक पहुंच चुका है। 1950 ब्रिटेन में लोगों को उठाने के लिए नॉकअपर्स कहे जाने वाले यह लोग हर सुबह बांस की लंबी स्टिक लेकर एक खास टाइम पे उनकी खिड़कियां ठोक करके उनको जगाते थे। लेकिन भाई इन्हें कौन जगाता था? कोई भी नहीं, क्योंकि यह दिन में सोते थे। और जब 20वीं सदी में अलार्म घड़ियां मार्केट में आई तो बेचारों का धंधा ठप हो गया। प्राचीन रोमन चिकित्सक सर दर्द भगाने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लैक टॉर्पिडो मछली को पीड़ितों के सर पर रखते थे और वह एक बार में 50 वोल्ट तक का करंट देती थी और इससे फर्क भी पड़ता था। वैसे ये बिजली इतनी पावरफुल नहीं थी कि नुकसान पहुंचा सके, लेकिन फिर भी मैं तो पैरासिटामोल से ही काम चलाना चाहूंगा। 1901 में हर्बर्ट सिविल बूथ ने पहला वैक्यूम क्लीनर बना डाला और भाई ये वैक्यूम इतना बड़ा था कि इसे घोड़े घरों तक खींच कर लाते थे। इसमें पेट्रोल से चलने वाली एक मोटर हवा और धूल को घरों के अंदर से खींचती थी, लेकिन इसका एक बार का किराया 20 पाउंड था जो आज के $3,000 के ऊपर है, जिसे रईस लोग इस्तेमाल कर सकते थे। चलो शुक्र है कि धीरे धीरे वैक्यूम क्लीनर बहुत सस्ता हो गया और छोटा भी।